ढोलू भोलू जल्दी वो देखो राजकुमारी वहाँ बैठी है। अरे इंदू इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। ये देखो बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे और बौद्ध आश्रम। सच में कितनी सुंदर जगह लग रही है। और देखो यहाँ के लोगों की पोशाक भी कितनी निराली है। वो तो है, अब जरा सोचो कितना मजा आएगा। गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी। सारी गड़बड़ी हुई है। मेरा नाम राजा इंद्रवर्मा है।
ये राजकुमारी इंद्रवती हैं और ये भीम और उसके साथी हैं। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। ओह, राजा इंद्रवर्मा, आपका स्वागत है। आइए मैं आप सबको राजमहल ले चलता हूँ। राजा सिलवान आपका इंतजार कर रहे होंगे। महाराज, ये है ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा, राजकुमारी इंदुमती, भीम और इनके साथी। रोमी, बब्बर, जानी, ये हमारे मेहमान हैं। हमने आज तक शेरों को इतने पास से कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता हमें इन शेरों से डरने की कोई जरूरत है। सिर्फ समृद्ध के दुश्मनों को इनसे डरने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों समृद्ध शहर के रखवाले हैं। भीम, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई महाराज। अरे माफ करना, हम बातों में ऐसे उलझ गए कि मैंने आप लोगों को खाने पीने के लिए पूछा ही नहीं। आइए मेरे साथ। शुक्रिया राजा सिलवन। के उस्ताद सब कुछ खा जाए। और फिर हमें भी खा जाए। महाराज, ये आपने ठीक नहीं किया। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये पीटू है। ये हमारे मनोरंजन की पूरी दुकान है। ढोलकपुर के मेहमानों को पीटू का सलाम। तुम सबके स्वागत में एक चुटकुला पेश है। अर्ज किया है, कागज पे लिखा है, गजल बकरी चबा गई, फिर चर्चा सारे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। ये चुटकुले मार रहे ये मुझे। तो मैंने सुना समृद्ध शहर के लोग तुमसे थोड़ा नाराज हैं? हाँ, वो तो है। रुको रुको रुको, मेरे पास इसका इलाज है। समृद्ध शहर के लोगों को नाटक देखना बहुत पसंद है, तो तुम सबको उनके लिए एक नाटक करना होगा। सुझाव तो अच्छा है। बच्चों, यकीन मानो, तुम्हें इस नाटक में बड़ा मजा आएगा।